नमस्कार दोस्तों, हमने अभी देखा था कि डिस्क ब्रेक हमारे जो वादन साधन है उसके अंदर डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब जो डिस्क ब्रेक हमारा काम करा हम उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से भाग काम करते हैं और जो डिस्क ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक की तुलना में कैसे बेहतर है, यानी कि इसमें लाभदायक है डिस्क ब्रेक कैसे है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं। देखो, ये हमारे मेन जो डिस्क ब्रेक है उसके अंदर जो मेन मेन भाग है वो जो इस प्रकार से हैं। ठीक है, अब इसमें पहले बात कर रहे थे ब्रेक। ब्रेक क्या है? देखिए, कोई भी वाहन है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता वो कितनी तेज गति से चल रहा है, वो डिपेंड करता है वो कितना जल्दी रुक रहा है, यानी कि उसके रुकने की क्षमता कितनी है। यानी कि सब जो वाहन जितनी जल्दी रुकने की क्षमता रखता है वही उसकी क्या है, और निर्माता भी क्या करता है इसी चीज़ पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं डिस्क ब्रेक की, यानी कि जो हमने देखा कि अभी डिस्क ब्रेक, तो डिस्क ब्रेक क्या होता है? डिस्क ब्रेक एक साइकिल के ब्रेक, जो हमारी साइकिल होती है उसके ब्रेक की तरह ही होता है। ठीक है, साइकिल में क्या है कि उसके अंदर एक कैलिपर लगा हुआ है और वो भी एकदम सेम क्या करता है, जो हमारे जो पहिया है उसको, जो उसके पैड होते हैं वो पकड़ते हैं। यानी कि डिस्क ब्रेक सेम जैसे साइकिल में ब्रेक करते हैं, साइकिल का जो ब्रेक काम करता है उसी प्रकार से काम करता है। बस फर्क इतना है कि साइकिल के अंदर हम उससे क्या है केबल से ऑपरेट करते हैं जो कैलिपर होता है उसको, और जो डिस्क ब्रेक के अंदर उसको हाइड्रोलिक जो फ्लूड है उसके द्वारा ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्रेक में क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी क्या करती है चलती रहती है तो उसके अंदर क्या होता है गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कि जब हमारी गाड़ी चलती रहती है तो उसमें क्या होता है गतिज ऊर्जा होती है, और उसको रोकने के लिए क्या क्या जो उसको रोक तो गतिज उसको रोकेंगे तो जो गतिज ऊर्जा उसको बाहर निकालना पड़ेगा तभी हमारी गाड़ी रुकेगी। तो जो गाड़ी रुकती है तो उसको रोकने क्या क्या ब्रेक के द्वारा हम ऊर्जा को क्या करते हैं गाड़ी से बाहर निकालना पड़ता है, यानी कि उस जिस गाड़ी के अंदर हमारी जो गतिज ऊर्जा चल रही है उस गतिज ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए बाहर निकालेंगे तभी हमारी गाड़ी रुकेगी। और उसको रोकने के लिए क्या लगाया गया, हमने जो डिस्क पैड जो ब्रेक लगाए गए हैं उसी लिए लगाए गए हैं। ठीक है, हमारे ब्रेक सिस्टम में क्या होता है कि जो गतिज ऊर्जा होते हैं ब्रेक के द्वारा क्या किया जाता है, जो गतिज ऊर्जा को क्या किया जाता है उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, कई बार पूछ ले कि ब्रेक जो ब्रेक के अंदर एनर्जी क्या होती है गतिज ऊर्जा से उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होती है। डिस्क ब्रेक दो प्रकार के होते हैं, यानी कि डिस्क ब्रेक क्या होता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिसके अंदर सिंगल पिस्टन होता है कैलिपर के अंदर, और दूसरा डबल पिस्टन जो दोनों साइड काम कर डिस्क के जो हमारा रोटर है उसके दोनों साइड पिस्टन लगे होते हैं। यानी कि एक तो फ्लोटिंग फ्लोटिंग कैलिपर पिस्टन वाला होता है, एक यानी कि फिक्स जो फिक्स होता है जिसमें अंदर ये दोनों साइड पिस्टन लगे हुए हैं जो कैलिपर कोई मूवमेंट नहीं करता और कैलिपर स्थिर होता है। और हम बात करेंगे आज ओनली जो फ्लोटिंग कैलिपर टाइप है उसी की। ठीक है, यानी जिसके अंदर सिंगल पिस्टन टाइप जो हमारे सभी गाड़ियों में लगे होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि सिंगल पिस्टन होता है। पहले क्या था कि जो डिस्क ब्रेक था वो किसके लिए, जो हमारी हाई रेसिंग गाड़ियां थी उनमें इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे करके क्या किया सभी आजकल सभी गाड़ियों के अंदर क्या है डिस्क ब्रेक आने लग गए, यानी कि कई गाड़ियों में तो चारों व्हीलों के यानी कि फ्रंट और रियर दोनों साइड ही डिस्क ब्रेक का उपयोग करते हैं। डिस्क ब्रेक की खासियत यह है जो सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर डिस्क ब्रेक है वो सेल्फ सेटिंग और सेल्फ एडजस्टिंग है, यानी कि उसके अंदर कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जिस हिसाब से घसते जाएंगे एडजस्ट होते जाएंगे। ठीक है, कैलिपर एक तरफ से दूसरे तरफ स्लाइड करने में सक्षम होता है, जो यानी कि जो कैलिपर लगा हुआ है इसके अंदर वो एक तरफ से दूसरे अपने आप स्लाइड करता है, और ये क्योंकि इसके दूसरे साइड पैड खींचने के लिए क्या होता है कोई स्प्रिंग नहीं होती और हमेशा ये क्या करते हैं रोटर के साथ हल्के लगे होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं करेंगे कि डिस्क ब्रेक के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और जो इसका मेन पार्ट है कैलिपर असेंबली, यानी जो कैलिपर असेंबली है उसके बारे में कि कैलिपर असेंबली क्या काम करती है और इसमें कौन कौन से भाग है। काम करने वालों भागों में ब्रेक पैडल या ब्रेक लीवर, यानी कि जो हमारे मोटरसाइकिल है उसमें भी जो डिस्क ब्रेक काम करता है, और जो हमारे वाहन होते हैं उनमें भी, जैसे कार हुआ उनमें भी, यानी कि आजकल तो डिस्क ब्रेक हर गाड़ी में आने लग गया, तो हम डिस्क ब्रेक की बात कर रहे हैं चाहे वो कहीं किसी भी गाड़ी में हो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है जैसे किसी के अंदर डबल मास्टर टंडा मास्टर सिलेंडर होगा, किसी में मास्टर सिलेंडर, तो इसके अंदर हमने मास्टर सिलेंडर को लिया है, फिर ब्रेक फ्लूड है और ब्रेक पाइपलाइन जिसके हमारा जो फ्लूड है वो जो नीचे कैलिपर असेंबली में आता है, उसके बाद डिस्क ब्रेक असेंबली या कैलिपर असेंबली है। ठीक है, यानी जिसके अंदर कैलिपर असेंबली में क्या क्या है अब देख लेते हैं। कैलिपर असेंबली के अंदर कौन कौन से भाग का, कैलिपर फ्रेम होती है, कैलिपर ब्रेकेट होते हैं, ठीक है, और ब्लेड स्क्रू होता है। ठीक है, जैसे ब्लेडिंग स्क्रू जो हम
अगर एयर फंस जाती है तो उसके अंदर निकालते हैं, ठीक है। डस्ट बूट होता है, पिस्टन सील होती है, पिस्टन होता है, पैड होते हैं, और एंटी रेटल क्लिप होती है, ठीक है। एंटी रेटल क्लिप होती है, पैड क्लिप होती है, और फ्रैक्शन पैड जो हमारे जो उस पर मेटल एजबेस्टस जो घर्षण का जो हमारे उसके साथ रोटर के साथ रगड़ते हो क्या है, एजबेस्टस धातु की बनी होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पहले कैलिपर क्या है और ये क्या क्या काम करता है, इसके अंदर कौन से भाग किस काम के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी क्रियाविधि जानेंगे, उसको एनिमेशन वीडियो में देखेंगे कि इसे कैसे काम करते हैं। कैलिपर क्या है? कैलिपर एक असेंबली है जिसे ब्रैकेट के साथ वाहन पर लगाया जाता है, यह रोटर को फ्रेम करता है और सी क्लिप की तरह काम करता है, सी क्लैप की तरह काम करता है, ठीक है। यानी कि अब यह तो था कैलिपर असेंबली, अब इसमें क्या क्या है, ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड इससे घर्षण पदार्थ धातु की प्लेट की बंधी रेखा के हमारे लिए वाहन को रोकती है, ठीक है। यानी कैलिपर के अंदर ही है ये जो ब्रेक पैड है वो भी कैलिपर के अंदर ही है, जो हमने ऊपर इनके भागों के नाम सुना था। और जो पिस्टन है वो क्या करेगा, जो पिस्टन क्या करता है, ब्रेक लगाते हैं तो रोटर के खिलाफ ब्रेक पैड को पुश करने के लिए पिस्टन होता है, ठीक है। यानी कि जो ब्रेक पैड को आगे पुश उसके लिए एक पिस्टन लगा, वो भी कैलिपर असेंबली में ही है। और ब्रेक के सर्विसिंग और फ्लूड बदलने के लिए क्या है, ब्लेडर स्क्रू भी है, और पिस्टन रबर सील है, ठीक है, जो क्या करता है फ्लूड के रिसाव को रोकता है, ठीक है, और ब्रेक जारी होने पर पिस्टन को वापस खींच लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद है, ये हमारा पूरा जो कैलिपर असेंबली है उसके अंदर है कि ये उसके अंदर कैसे क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। एंटी रेटल क्लिप जो स्थिर एकदम उसके साथ बंधी रहती है, और क्या डस्ट बूट होता है जो भारी गंदगी से पिस्टन को बचाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कैसे मैकेनिज्म इसका काम कर रहा है और इसकी कार्यविधि कैसे है, पहले इसको देखते हैं थोड़ा ये कैसे काम करते हैं। इसमें क्या है कि वो जैसे ही राइडर चालक ही उसको दबाएगा, ठीक है, ब्रेक पैडल या ब्रेक लीवर को दबाएगा, तो क्या होगा, जो हमारा जो जो एक नंबर यानी कि मास्टर सिलेंडर से जो पिस्टन का दबाव फ्लूड पर पड़ता है तो क्या हो जाएगा, कैलिपर के अंदर जो पिस्टन है उसमें पड़ता है, तो क्या करता है, जो पिस्टन के ऊपर जो दबाव पड़ता है तो उससे क्या है, जो हमारा नंबर एक यानी दो पैड लगे होते हैं अंदर तक बाहर की तरफ रोटर के, तो जो अंदर की तरफ हुआ है वो तो फर्स्ट में लग जाता है, यानी कि जैसे पिस्टन का दबाव उस पर पड़ा तो क्या करेगा, डिस्क के साथ लग जाता है। लेकिन प्रेशर जो फ्लूड का प्रेशर लगातार जारी रहने के कारण, यानी कि उससे क्या है कि जो हमारा जो पिस्टन है वो सिलेंडर क्या करता है, बैक पुश करता है, यानी कि बैक पुश करता है, बैक पुश के कारण उसमें क्या होता है कि एक क्लैपिंग एक्शन होता है, क्लैपिंग एक्शन होने के कारण क्या है, जो बाहर वाला पैड है वो भी क्या है उसके साथ लग जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे क्या है, जैसे ही राइडर ब्रेक पैड या लीवर को दबाता है तो मास्टर सिलेंडर के पिस्टन पर दबाव पड़ता है, ठीक है, जो हमारा मास्टर सिलेंडर है उसके अंदर जो पिस्टन है उस पर दबाव पड़ता है, पिस्टन का दबाव चैम्बर में भरे हुए ब्रेक फ्लूड पर पड़ता है, यानी कि जो उसके अंदर ब्रेक फ्लूड है उसके ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे फ्लूड चेक वाल्व से निकल कर क्या फ्लूड पाइपलाइन से होते हुए क्या करता है, कैलिपर असेंबली के कहाँ पहुंच जाता है, कैलिपर असेंबली जो पिस्टन है जो सिलेंडर उसके अंदर, ठीक, असेंबली के सिलेंडर के अंदर पिस्टन पर दबाव डालता है, फ्लूड के दबाव से पिस्टन बाहर की ओर हरकत मिलती है, यानी कि जैसे फ्लूड का दबाव तो पिस्टन बाहर की हरकत करेगा, साथ ही नंबर एक पैड जो अंदर की तरफ है पैड भी बाहर की तरफ हरकत करता है और डिस्क को अंदर को उससे पकड़ लेता है। फ्लूड का दबाव लगातार जारी रहने के कारण फ्लूड का दबाव पिस्टन के साथ साथ बैक प्रेशर सिलेंडर के ऊपर भी पड़ता है, यानी कि पिस्टन पे पड़ रहा है, साथ में जो हमारा सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन है उसके अंदर बैक प्रेशर पड़ता है और सिलेंडर भी क्या करता है, हरकत करता है, जिससे जिससे कैलिपर अंदर की तरफ हरकत करता है, ठीक है। यानी कि जैसे सिलेंडर पे पूरा दबाव पड़ा तो क्या होगा कि पूरा कैलिपर के ऊपर दबाव पड़ता है तो क्या करता है, हरकत करता है। जी हमने अभी एनिमे जो वीडियो में देखा था कि ये कैसे काम कर रहा था उसके बारे में, ठीक है, तो उसके क्लैपिंग एक्शन के कारण नंबर दो पैड है वो भी कैलिपर के साथ अंदर की तरफ हरकत मिलती है और नंबर दो पैड भी डिस्क को बाहर से पकड़ लेता है, यानी कि इसके अंदर ब्रेक एडवांस इन रिस्टोरेज फोर्स हो जाता है, ठीक है। यानी कि कोई एक्शन कभी कभी ब्रेक एडवांस इन रिस्टोरेज फोर्स, ठीक है, इस प्रकार नंबर एक पैड डिस्क को अंदर की तरफ से और नंबर दो पैड है डिस्क को क्या करता है, बाहर की तरफ से, ठीक है, बाहर की तरफ से लग जाए और व्हील हमारा रुक जाता है, यानी कि जो रोटर है रोटर के चारों तरफ ही क्या हमारे डिस्क ब्रेक काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है इसकी ऑफ पोजीशन, यानी कि अभी तो हमने उसको ऑन किया था, अब ऑफ पोजीशन करेंगे तो क्या एक्शन होगा, ठीक है।
और पोजीशन में क्या है कि ब्रेक पैडल के ऊपर जैसे ही हम दबाव हटाते हैं, यानी कि ब्रेक पैडल से पैर हटाए या लीवर से दबाव हटाते हैं, तो क्या है दबाव सिलसिलेवर क्या है कैलिपर सिलेंडर के अंदर पिस्टन के ऊपर से हट जाता है, ठीक है। साथ ही कैलिपर से ब्रेक जो फ्लूड का जो बैक प्रेशर था वो भी हट जाता है, और यहाँ रिस्टोरिंग एक्शन हुआ है रबड़ बूट की मदद से, यानी कि हमने अभी जो कैलिपर असेंबली के अंदर भी पढ़ा था कि रबड़ बूट क्या काम करता है, तो क्या था रबड़ बूट की मदद से नंबर 1 पैड और नंबर 2 का दबाव भी डिस्क से हट जाता है, इस प्रकार डिस्क क्या करती है फ्री हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि सेल्फ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है, और इस प्रकार ये काम करता है, यानी कि जो कैलिपर असेंबली है वो इसके अंदर मेन रोल अदा करती है, यानी कि एक साइड से दबाव पड़ता है, दूसरी साइड जो बैक प्रेशर है वो पूरे सिलेंडर के ऊपर दबाव डालता है, जिससे जो जो क्लैपिंग एक्शन कैन जो कैलिपर है उसकी वो भी अंदर की तरफ हरकत करता है, जिससे हमारे बाहर का जो पैड है वो भी लग जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसके बारे में जो डिस्क ब्रेक है ड्रम ब्रेक की तुलना में क्यों क्यों आवश्यक है, यानी क्यों बेहतर है, क्यों अच्छा माना जाता है। नंबर 1 बात तो क्या है कि इसके अंदर पार्ट्स कम है, सिंपल है, बाहर जो डिस्क ब्रेक है एकदम बाहर लगा हुआ है, जो इसका मैनेजमेंट ठीक कर सकते हैं, आसानी से इसको हम बदली कर सकते हैं। और सबसे मेन रीजन ये क्या कि एक तो जो हमारा ड्रम ब्रेक होता है वो अंदर की तरफ होता है, यानी जैसे हीट बनती है तो वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, और ये क्या है जो डिस्क ब्रेक है गर्म तो डिस्क ब्रेक भी होता है, लेकिन क्या कि जो हमारे वातावरण के संपर्क में रहने से क्या है हीट को जल्दी ट्रांसफर कर देता है, यानी इस पे हवा लगती रहती है। नंबर 2 जो इसकी जो ये रोटर को पकड़ता है तो उसके साथ क्या है कि उसके किनारों पर जो उसके कई रोटरों में देखा होगा हल्के हल्के छिद्र बने होते हैं, उसके साथ आसानी से पकड़े जाते हैं, और ये उस ब्रेक से तुलना में ड्रम ब्रेक की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है। नंबर 3 कारण है कि ये जो जैसे बारिश के अंदर हमारे गीले हो जाते हैं ब्रेक, ठीक है, ब्रेक शू अगर गीले हो गए या इसके पैड गीले हो जाते हैं तो क्या करते हैं जैसे हमारी गाड़ी चलती है तो घूरने के कारण जो हमारा जो उसके अंदर जो पानी जाता है जो वो क्या करता है पुनः नी पुनः निकल जाता है, यानी खुद ही घूमने के साथ साथ निकल जाता है। देख लेते हैं कैसे क्या लिख रखा है, क्योंकि ये क्या करते हैं उच्च तापमान और गीली स्थितियों में अधिक अनुमानित जो प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, ठीक है, यानी कि गीली या बारिश में भीगने या गीला होने पर भी ये मजबूती से काम करते हैं। डिस्क ब्रेक में पैड बाहर वातावरण से हवा के संपर्क में रहने के कारण उष्मा जो हीट होती है उसको जल्द स्थानांतरित कर देते हैं और ठंडे रहते हैं और अपना गर्म मजबूती से काम करते रहते हैं। फिर दूसरा डिस्क ब्रेक के अंदर जो ब्रेक है वो फेल बहुत कम होने का खतरा कम होता है, यानी कि इतना ब्रेक पैड होने का खतरा कम होता है, ठीक है। फिर जैसे हमारा जो भीग जाता है तो क्या होता है कि डिस्क ब्रेक एक और पानी का फीका पड़ने का प्रतिरोध है, यानी कि यह जब तब होता है जब ब्रेक पानी ब्रेकिंग बल को आसानी से कम कर देता है, जब वाहन गति में होते हैं तो क्या करता है रोटर उच्च गति से घूमता है, ठीक है, और यह घूर्णी गति वाले रोटरों से पानी को स्वनिर्वहन करता है, जिसके कारण एक निरंतर ब्रेकिंग बल कार्य करता है, यानी कि जैसे घूमता रहेगा तो क्या करता है जो पानी उसके अंदर होगा ब्रेक शू के अंदर वो सब निकल जाए पैड के अंदर जैसे भी गीला होगा, ठीक है। तो ये तो था, अब इसके अंदर देख लेते हैं कि जो इस काम करने वाले भाग कौन कौन से है, ठीक है। ये था डिस्क ब्रेक और मेन हमारा फोकस था डिस्क ब्रेक, आज के दिन हर गाड़ियों के अंदर डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल मिलता है, ठीक है। तो कैसे काम करता है ये देखो, हमने इसके सभी हिस्से पुर्जे दिखाए हुए, कैसे कैसे काम करता है और कौन सा पुर्जा कहाँ पे लगा हुआ है इसके बारे में बताया, जो भागों के नाम आप उसकी तरह दे उसको अच्छी तरह जान लें कि इसके अंदर कौन कौन सा भाग काम कर रहे हैं, तो हम इसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं, और ये कैसे काम करता है इसके लिए एनिमेशन डाला हुआ है, आप इसको अच्छी तरह दोबारा भी देख सकते हैं। तो प्लीज बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ड्रम ब्रेक के बारे में कि ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों ओके बाय।